गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन ENGDSE 102 नाउ डेज वी आर गोइंग थ्रू अ चैप्टर, द टाइटल इज अ क्रॉनिकल ऑफ द पीकॉक्स। पेज नंबर 101 से शुरू है, फोर्थ पार्ट का ये लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर जो है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो थिंग वी हैव डन मनु का जो है, मनु महाराज का रेफरेंस हमने किया, देन वी रेड अबाउट जीजस क्राइस्ट का हमने रेफरेंस किया, हमने बाइबल के रेफरेंसेज सेटन का रेफरेंस किया, देन वी टॉक्ड अबाउट जो वॉर थी इराक की वॉर थी उसके बारे में हमने पढ़ा, एटीट्यूड ऑफ अमेरिका हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, जो श्रावस्ती जगह है जहाँ पे वो अपने भिक्षुकों के साथ मॉनसून में रहते थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। एंड आफ्टर दैट व्हाट डिड वी स्टडी, वी रीच्ड इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ तक हम लोग पहुँच चुके थे, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं तो बहुत दूर आ चुका हूँ, मुझे वापिस जाना है। दिस वॉज द वर्डिंग ऑफ द ऑथर। आई हैव ट्रेवल्ड फार एंड लॉन्ग, बहुत दूर तक मैंने यात्रा की है। आई हैव सीन पीकॉक्स, आई हैव सीन लार्ज नंबर ऑफ पीकॉक्स, पीकॉक्स फ्रॉम डिफरेंट एजेस एंड लैंड्स, पीकॉक्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड डिफरेंट लैंड्स। आई हैव हर्ड देयर सॉन्ग, आई हैव लिसन टू देयर सॉन्ग ऑल्सो। नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू राइट अ मोर नामा। नाउ आई विल राइट मोर नामा मीन्स डिटेल डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू पीकॉक्स मैंने लिखना है, माई क्रॉनिकल ऑफ द पीकॉक्स। बट बिफोर आई गो बैक होम, बिफोर गोइंग बैक होम, वॉट डू आई नीड टू डू, आई मस्ट मेक अनदर ट्रिप टू राजस्थान। यू प्लान टू गो टू राजस्थान अगेन एंड फाइंड आउट इफ पीकॉक्स हैड दैट हैड फ्लोन अवे इन फियर हैव रिटर्न। एंड द राइटर इज़ वेरी सेंसिटिव, ही जस्ट वॉन्ट्स टू गो टू राजस्थान एंड फाइंड आउट वेदर द पीकॉक्स हैड फ्लोन अवे बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ दैट वेरी न्यूक्लियर सब्सटेंस, किया वो पीकॉक्स जो वो वापस आ चुके हैं राजस्थान में या वो वापस नहीं आए हैं। ही वॉन्टेड टू फाइंड इट आउट। द पीकॉक्स हैड एक्चुअली रिटर्न्ड इन ग्रेट नंबर्स, लेकिन देवर बैक ज़्यादा आगे थे वो, स्ट्रेंजली बहुत अजीब बात है। द मोमेंट दे सॉ मी, कि वो पल जब उन्होंने मुझे देखा, देवर सो टेरिफाइड, इतना डर गए, दैट स्क्रीमिंग इन टेरर, दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग इन टेरर, रोने लगे। द रोज फ्रॉम द हिल्स, वो पहाड़ों से उठे, ट्रीज एंड स्कैटर्ड इन द स्काई, और पूरे के पूरे ऊपर जाके जो है वो स्काई में बिखर गए। कब हुआ था ऐसा? जब एक्सप्लोजन हुआ था, जब टेस्टिंग हुई थी, तो उस वक्त भी इसी तरह से हुआ था। आप कहते मेरा इंट्रूजन वहाँ देख के, मेरी इन्वॉल्वमेंट अपनी दुनिया में देख के वो डर गए। एट दैट मोमेंट, उस पल आई रियली सेंस दैट आई वॉजन्ट अलोन, आई वॉज नॉट अलोन। तब मुझे लगा कि मेरे साथ ऐसा क्या जा रहा है कि ये पीकॉक्स जो हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स स्काई, मैं तो इनसे मिलने के लिए आया था लेकिन ये तो मुझसे डर के भाग रहे हैं। समवन एल्स वॉज वॉकिंग बिसाइड मी, कुछ और मेरे साथ चल रहा था। व्हेन आई लुक टू माय लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे मैंने घुमा के देखा गर्दन, आई वॉज सो शॉक्ड बाई वॉट आई सॉ दैट आई कुडंट टर्न माई गेज अवे। आई वॉज शॉक्ड टू सी समथिंग, मैं कुछ देख के तो डर ही गया था और मैं अपनी नज़र को हटा नहीं पाया। वॉट इज दैट अश्वस्थामा, हु वॉज अश्वस्थामा, ही वॉज द सन ऑफ द्रोणाचार्य, द ग्रेट क्रिमिनल ऑफ कुरुक्षेत्र। अब देखो उसको क्रिमिनल ऑफ कुरुक्षेत्र कहा गया है। वाई इज ही हेयर, वो यहाँ क्यों है? वाई इज ही वॉकिंग बिसाइड मी, वो मेरे साथ क्यों चल रहा है? आई डोंट नो व्हेन ही अटैच्ड हिमसेल्फ टू मी, पता नहीं वो मेरे साथ कब से चलने लगा। परहैप्स ही बिगिन टू फॉलो मी, कि शायद वो मुझे फॉलो कर रहा था। On my back from इंद्रप्रस्थ, जब मैं इंद्रप्रस्थ गया था, I stopped at Kurukshetra, शायद वहाँ से वो मेरे पीछे चल रहा था। Yes, I am sure this evil creature attached himself to me there, कि मुझे पूरा विश्वास था कि ये बुरी आत्मा जो है मेरे साथ वहाँ से आ रही है। Kurukshetra was desolate, Kurukshetra तो बड़ा lonely था, अकेला था, खाली था। I had seen no living being there, मैंने वहाँ कोई लिविंग बींग देखा ही नहीं था। वेयर हैड ही बीन हाइडिंग, वो कहाँ छुपा था, कहाँ से मेरे पीछे लग गया वो? हैड ही बीन वेंटरिंग देयर एवर सिंस द वॉर, क्या वो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद से वहाँ छिपा था? अब थोड़ा सा मैं आपको अश्वस्थामा के बारे में भी बताऊँगी, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं हमारे वो रेफरेंसेस क्लियर होने ज़रूरी हैं। अश्वस्थामा वॉज द सन ऑफ द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य कौन थे? वो कुरु वंश के गुरु थे जिन्होंने कौरव और पांडव दोनों को एजुकेट किया था। एंड ही वॉज द वन हु ट्रेंड अर्जुना एज द बेस्ट वॉरियर, जो आर्चर था, जो आर्चरी का आर्ट सिखाया था उन्होंने जो है अर्जुन को सिखाया था। एंड ही ट्रेंड हिज ओन सन ऑल्सो, ठीक है। लेकिन कई बार हम बोलते हैं ना कि स्टूडेंट्स में वो क्वालिटीज़ मिलती हैं विच वी डोंट फाइंड इन आर ओन किड्स, तो
सेम वॉज द केस विद गुरु द्रोण. गुरु द्रोण ने ब्रह्म अस्त्र का उपयोग अर्जुन को भी सिखाया, अपने बेटे को भी सिखाया, बट अर्जुन को ये बताया गया कि ब्रह्म अस्त्र को वापस कैसे लेना है. डेडिकेशन डिवोशन पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात है. सो वॉट हैपन्ड व्हेन द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र, रीज़न आपको पता है क्यों युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है. उसमें जो है वो एटीट्यूड ऑफ द कौरवास टूवर्ड्स पांडवास भी था एक रीज़न, जो शुरू से उनको बार बार वनवास भेज रहे थे, बचपन से उनको मारने की कोशिशें की जा रही थी. तो बुराई इतनी बढ़ चुकी थी, अच्छाई को आगे आना पड़ा युद्ध करने के लिए. और ये सारे का सारा जो सारांश है, जो जिस्ट है, जो आपको कंडेंस्ड फॉर्म में मिलेगा, इफ़ यू विल एवर गो थ्रू गीता, जो भागवत गीता है, उसका कभी सारांश भी पढ़ोगे ना आप, 18 दिन तक युद्ध चला था, तो वो सारा आपको मिलेगा डिटेल वहाँ पे. सो युद्ध खत्म हो गया. अब सबसे पहले क्या हुआ कि पितामह कैसे मारे गए, ये भी आपको पता है. शिखंडिनी को लाया गया था आगे, ठीक है. उसके बाद जो थे गुरु द्रोणाचार्य वॉज देयर, उन्होंने कहा था कि वंस आई लीव माई अस्त्रास, मैं उनको पिक नहीं करूँगा. सो अब क्या था, गुरु द्रोणाचार्य ने तो उनकी पांडवों की आर्मी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ठीक है. सो इट वॉज प्लान दैट युधिष्ठिर विल टेल ए लाई. वट वुड ही से, ही विल से अश्वत्थामा मारा गया. इट वॉज अ नेम ऑफ एन एलिफेंट. अब जब द्रोणाचार्य ने पूछा तो ही सेट कहते अश्वत्थामा मारा गया, फाइन. आगे जो रेफरेंस था ना एलिफेंट का, वो फेड हो गया. एंड गुरु द्रोण डिडंट लिसन टू एनी थिंग एंड ही गेव अप हिज बो एंड एरो, छोड़ दिया. ही वॉज किल्ड बाय धृष्टद्युम्न, ने उसको मारा, फाइन. अब अश्वत्थामा वॉज देयर, ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज अपॉन पांडवास. रिवेंज तो उन्होंने दुर्योधन के लिए भी लेना था, दुशासन का भी लेना था, जितने भी वॉरियर मारे जा रहे थे उन सबका बदला लेना था. अश्वत्थामा ने ये डिसाइड किया कि मैं बदला लूँगा. सो ही डिसाइडेड टू एंटर इन टू द टेंट ऑफ द पांडवास एट नाइट. तो रात को पांडवास को तो कृष्ण जी ले गए कहीं और पांडवों के बच्चों को जो है उसने मार दिया, फाइन. इन द मॉर्निंग ही केम टू नो दैट ही हैड किल्ड द किड्स ऑफ पांडवास. उनका वंश खत्म करने का प्लान था, पर वो अनफॉर्चुनेटली वो मारने तो पांडव थे लेकिन वो गलती से उनके जो 5 सन्स थे उनको मारा. आफ्टर दैट ही डिसाइडेड नो आई टेक रिवेंज अपॉन अर्जुना, कि अब मैं क्या करूँगा. जो उत्तरा है अभिमन्यु की वाइफ, शी वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम, दैट आई विल किल हिम, किल हर एंड किल हर चाइल्ड इन द वूम. लेकिन लॉर्ड कृष्णा वॉन्टेड टू सेव. अब उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और जो अर्जुन था ही ऑल्सो यूज द सेम. अर्जुना न्यू द आर्ट ऑफ टेकिंग इट बैक. ये भगवान कृष्ण ने बोला कि ये तो विनाशकारी है, इसको वापस लो. ही टुक इट बैक, ही न्यू इट हाउ टू टेक बैक. ही प्रेड टू द लॉर्ड ब्रह्मा और वो वापस हो गया, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने गुरु से सीखी थी. अश्वत्थामा डिडंट नो हाउ टू टेक इट बैक, फाइन. नाउ लॉर्ड कृष्णा वॉज देयर, ही सेव्ड उत्तरा एंड हर चाइल्ड एंड वॉज टेकन बैक. वो नुकसान नहीं हो पाया जो इंटेंडेड था, लेकिन अब अश्वत्थामा के फोरहेड में देयर वॉज अ प्रेशियस स्टोन, एक मणि थी. अल्टीमेटली लॉर्ड कृष्णा टोल्ड भीम टू पुल इट बैक, वो निकाली गई एंड इट वॉज अ वूंड, यू नो, पस स्टार्टेड ओजिंग एंड ब्लड स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम देयर एंड ही वॉज लाइक कर्स्ड बाय गॉड, कि तुम अनंत काल तक इसी जख्म के साथ घूमते रहोगे. यू विल सफर अलोन फॉर योर डीड्स, फॉर योर कर्मा. क्योंकि देखो एक सीधी सी बात है, इफ़ वी डू समथिंग रॉन्ग, हमारे अंदर एक कंसाइंस इट कीप्स ऑन प्रिकिंग अस, तो वो हम अपने कर्मों की सजा हम वैसे भी पाते हैं, कहा जाता है ना, तो अपने कर्मों को हमें अच्छा रखना चाहिए. सो दिस वॉज द स्टोरी विच हैज़ बीन मैंशनड हेयर, जिसको यहाँ पे मैंशन किया. अब देखो एक सर्वधर्म संभाव की हम इंडियन कंटेक्सट में बात करते हैं, बेसिक क्या है, मानवता है सर्वधर्म संभाव की. इसमें आपने क्या क्या रेफरेंस पढ़ा, मनु का रेफरेंस पढ़ा, क्राइस्ट का रेफरेंस पढ़ा, फिर आपने गॉड का रेफरेंस पढ़ा, फिर आपने जो है बुद्धिस्ट का रेफरेंस पढ़ा, और अब आप क्या पढ़ रहे हो, अब अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा एंड द्रोणाचार्य एंड ऑल दैट. सो आप अलग अलग एंगल से एक चैप्टर को स्टडी कर सकते हो. एटीट्यूड ऑफ ए जर्नलिस्ट बताया है कि कुछ भी लिख सकता है, वो छोटा भी लिख सकता है, वो बड़ा भी लिख सकता है. हाउ डू वी सफ़र बिकॉज ऑफ आर कर्मा, वो बताया गया है. हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ जो है वाइड होना चाहिए, वो बताया गया है, ठीक है. सो
लेट अस स्टार्ट द चैप्टर वी लीव इट. वॉर ट्रांसफॉर्म्स मैन अटर्ली. वो युद्ध जो है इंसान को पूरा बदल देती है. टेक अश्वस्थामा, अश्वस्थामा का केस लो. द सन ऑफ द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य वॉज अ मैन ऑफ सच प्रोफाउंड लर्निंग. बड़ी हाई लेवल की लर्निंग थी उनकी. दैट ऑल द ग्रेट वॉरियर्स ऑफ पांडवाज एंड कौरवाज यूज टू बो टू हिम, बो डाउन टू हिम. बो डाउन टू हिम होता है रिस्पेक्ट से झुकना, कि पांडव और कौरवों के जितने भी योद्धा थे वो द्रोणाचार्य का सम्मान करते थे. एंड टच हिज फीट. अश्वस्थामा हिज सन हैड इनहेरिटेड मैनी ऑफ हिज फादर्स क्वालिटीज. बहुत सी क्वालिटीज अपने फादर की थी. बट ही डिडेंट हैव हिज विजडम, लेकिन वो अकल नहीं थी फादर वाली. ही वॉज द मोस्ट डैम्ड एंड अकोस्ट मैन ऑफ दैट वॉर. सबसे घटिया और गिरा हुआ इंसान वो था जिसने सोए हुए लोगों के ऊपर हमला किया था. इट इज़ सेट दैट द्रोणाचार्य गुरु ऑफ ऑल ग्रेट वॉरियर्स पजेस द मोस्ट ड्रेडेड ऑफ वेपन्स. ये माना जाता है कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके पास बहुत खतरनाक वेपन्स थे. द ब्रह्मा अस्त्र उनमें सबसे खतरनाक है. इन अपीयरेंस इट वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास. देखने में वो कैसा लगता था, जैसे घास का तिनका है, ब्लेड ऑफ ग्रास है. बट इट्स पावर वॉज सो ग्रेट दैट इट कुड रिड्यूस एवरीथिंग टू ऐश. लेकिन इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि वो हर चीज़ को जला सकता था. डिस्ट्रॉय ऑल लिविंग थिंग्स फार एंड वाइड इन एन इंस्टेंट. एक झटके में पास दूर दूर तक की चीज़ों को ख़त्म कर सकता था. द्रोणाचार्य हैड पास्ड ऑन द सीक्रेट ऑफ दैट वेपन ओनली टू हिज फेवरेट डिसाइपल अर्जुना. इसका रहस्य शेयर किया गया था सिर्फ अर्जुन से, जो उनका फेवरेट डिसाइपल था, शिष्य था. वॉर इज सो ऑफुल दैट इन कुरुक्षेत्र, युद्ध इतना भयानक होता है, कुरुक्षेत्र में इतना भयानक युद्ध हुआ. द टीचर एंड हिज डिसाइपल फाउंड देमसेल्व्स इन अपोजिंग कैंप्स. सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए, ठीक है. एंड फाइटिंग ईच अदर, एक दूसरे से लड़ने लगे. बोथ हैड टेकन अ वो नेवर टू यूज ब्रह्म अस्त्र. दोनों ने ये कसम खाई थी. वो क्या होता है, VOW, कसम खाना कि हम ब्रह्म अस्त्र को यूज़ नहीं करेंगे. बिकॉज इट वुड डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, ये सारी सृष्टि का विनाश करेगा. बिफोर हिज डेथ द्रोणाचार्य रिवील द सीक्रेट ऑफ ब्रह्म अस्त्र टू हिज सन अश्वस्थामा. बिफोर डाइंग द्रोणाचार्य रिवील्ड और शेयर द सीक्रेट, शेयर किया उन्होंने सीक्रेट अश्वस्थामा के साथ ब्रह्मास्त्र का. बट वॉर्न्ड हिम स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली, बड़े स्ट्रिक्टली वॉर्न किया, नेवर टू यूज़ इट, यूज़ मत करना. आफ्टर द्रोणाचार्य वॉज किल्ड देयर वॉज नो वन लेफ्ट टू रिस्ट्रेन अश्वस्थामा. द्रोणाचार्य की डेथ के बाद वहाँ कोई नहीं रहा जो रिस्ट्रेन कर सकता, रिस्ट्रिक्ट कर सकता या रोक सकता अश्वस्थामा को. सो ड्यूरिंग द लास्ट एज ऑफ द वॉर, तो युद्ध के आखिरी दिनों में ही डिसाइडेड टू स्टेक एवरीथिंग, हर चीज़ को वो दांव पे लगा रहा था. एंड रिलीज द ब्रह्मास्त्र, और इस चक्कर में उन्होंने ब्रह्मास्त्र को रिलीज़ किया. द लास्ट डेज ऑफ द वो आर ऑलवेज द मोस्ट फेयरफुल. जो अंतिम दिन होते हैं किसी भी युद्ध के वो बहुत भयानक होते हैं. जैसे पार्टीशन हुआ था ना, तो लास्ट का जो फेज था इट वॉज वेरी हॉरिबल. दे आर द डेंजरस एंड अनप्रिडिक्टेबल. वो बहुत खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल, हमें पता नहीं चलता कि उनके बारे में, हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते. ड्यूरिंग दोज डेज मैन आर टेम्प्टेड टू यूज़ वेपन्स दैट आर ओनली मेंट टू थ्रेटन. और आखिरी दिनों में इंसान उन हथियारों को यूज़ करता है विच आर मेंट फॉर थ्रेटनिंग, जो हमने धमकाने के लिए रखे होते हैं, ठीक है. डजेंट मैटर देन इफ अ सिटी लाइक हिरोशिमा बर्न्स. फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता, हिरोशिमा नागासाकी डिस्ट्रॉय होती है, द लीस्ट फाइटिंग एंड एट लीस्ट द फाइटिंग कम्स टू एन एंड. और अंत में युद्ध खत्म हो जाता है. द विक्टर्स आर सेटिस्फाइड, विजयी लोग बहुत सेटिस्फाइड होते हैं. डिफीटेड आर लॉस्ट इन देयर सॉरो, हारे हुए लोग दुखी रहते हैं. एट कुरुक्षेत्र इट वॉज अश्वस्थामा. कुरुक्षेत्र में कौन था, अश्वस्थामा, हु एक्टेड फुलिशली एंड यूज द ब्रह्मास्त्र, जिसने बेवकूफ़ी वाला काम करके ब्रह्मास्त्र को यूज़ किया. व्हेन श्री कृष्णा हर्ड व्हाट अश्वस्थामा हैड डन, कि जब श्री कृष्ण को पता लगा ना अश्वस्थामा ने क्या किया है, ही सेड टू अर्जुना, ओ जनार्दन द्रोणाचार्य फुलिश सन हैज रिलीज द ब्रह्मास्त्र. कि द्रोणाचार्य के बेवकूफ बेटे ने ब्रह्मास्त्र रिलीज किया है. ऑल लिविंग थिंग्स विल बी डिस्ट्रॉयड, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, ओनली यू कैन काउंटर दैट वेपन. अब तुम उस वेपन को रोक सकते हो. एक्ट क्विकली बिफोर एवरीथिंग इज रिड्यूस टू एशेस, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए कुछ करो. अर्जुना टुक आउट हिज ब्रह्मास्त्र, अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र उठाया. एंड रिलीज इट टू न्यूट्रलाइज अश्वस्थामा वेपन, और उन्होंने सोचा कि अगर मैं भी चलाऊंगा तो दोनों तरफ से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. इट इज़ सेट दैट व्हेन अर्जुना रिलीज द ब्रह्मास्त्र, कि जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र रिलीज किया, द फायर वॉज सो इंटेंस, आग इतनी ज़्यादा थी, दैट इट्स फ्लेम साइंड ऑल द थ्री वर्ल्ड्स, पृथ्वी आकाश और अंडरवर्ल्ड तीनों में आग लग गई. इट्स हीट इवन स्कॉश द डिस्टेंट फॉरेस्ट्स वेयर व्यास ऋषि सैट इन मेडिटेशन, और जो हीट थी ना
स्कॉर्चिंग हीट, बर्निंग हीट, वो जंगलों में पहुंची जहां व्यास ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे थे। ही वॉज टेरिफाइड, ही फेल्ट स्कैर्ड, डर गए। ही अबैंडन्ड हिज मेडिटेशन, ही गेव अप हिज मेडिटेशन, छोड़ी उन्होंने। एट वंस वेंट टू कुरुक्षेत्र, रीच्ड कुरुक्षेत्र, स्टूड बिटवीन अश्वत्थामा एंड अर्जुना, एंड रेजिंग बोथ हैंड्स शाउटेड, और चिल्लाए, ओ इवल वंस, व्हाट ग्रेट इनजस्टिस इज दिस, ये क्या अन्याय है, द एंटायर वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड, रिकॉल योर वेपन्स, वापस बुलाओ, सारा वर्ल्ड फिनिश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अर्जुना टच द फीट ऑफ द ग्रेट सोल एंड एट वंस कॉल्ड हिज वेपन, ही कॉल्ड इट बैक बिकॉज ही न्यू द आर्ट, फाइन। बट अश्वत्थामा वॉज अनरिपेंटेंट, बट अश्वत्थामा डिडेंट रिपेंट, उसने पश्चाताप नहीं किया, महाराज आई हैव रिलीज द वेपन बट आई डोंट हैव द पावर टू टेक इट बैक, कि आई नो हाउ टू रिलीज बट वापस तो मुझे करना नहीं आता। ऑल आई कैन डू इज चेंज इस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ फॉलिंग ऑन पांडवाज आर्मी, इट विल फॉल ऑन देयर वुमेन, कि अब आर्मी पे नहीं गिरेगा, उन लेडीज़ के ऊपर गिरेगा जो घरों में हैं। स्ट्राइक देयर वोम्स एंड डिस्ट्रॉय देयर फिटसेस, कि उनके गर्भ में जो बच्चे हैं उनको वो मार देगा, यानी कमिंग जनरेशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट जाएगा। अगर आपको याद होगा हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था, कि उस वक्त जो बच्चे नहीं हुए थे या वो वर यू नो फीमेल्स ओवर प्रेग्नेंट, या अब भी जो जनरेशन हैं वो डिफॉर्म्ड हो रही हैं, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत उनको रहती है। तो ये परमाणु अस्त्र की तरह जो है वो इसका इम्पैक्ट था कहीं पर। द पांडवा शैल हैव नो हीयर्स एंड देयर क्लैन शैल कम टू एन एंड, हेयर्स होता है वारिस, की पांडवों के कोई वारिस नहीं होंगे, आगे इनका वंश नहीं चलेगा और इनका वंश खत्म हो जाएगा। देन श्री कृष्णा सेड एंग्रीली, ओ सन ऑफ द्रोणाचार्य, यू आर अ ग्रेट सिनर, तुम तो पापी हो, बाय किलिंग चिल्ड्रन यू हैव कमिटेड अ ग्रेट क्राइम। देखो युद्ध करना अलग बात है और बच्चों को मारना अलग बात है, कहते तुमने एक बड़ा क्राइम किया है। कर्स यू टू वेंडर अलोन इन द फॉरेस्ट फॉर 3000 ईयर्स, 3000 ईयर्स तक तुम जंगल में भटकते रहोगे। मे योर वूंड्स नेवर हील, तुम्हारे जख्म ठीक नहीं होंगे। मे पस एंड ब्लड फ्लो फ्रॉम देम ऑलवेज, तुम्हारे जख्मों से पस जो है वो और ब्लड आता रहेगा। मे दिस स्टिंग सो मच दैट पीपल एवरीवेयर रन अवे फ्रॉम योर डिस्गस्ट, तो हर जगह लोग जो है तुमसे वो दूर भागते रहेंगे। सो वी हैव जस्ट फिनिश्ड योर पेज नंबर 1067 एंड 108 का सेकेंड लास्ट पैसेज पे हम लोग रुके हैं। सो टुमारो विल कंटिन्यू from here, even I wanted to run away from him as far as possible. We'll continue from here. So good day.